अब तलाक दो ही दफा दी जा सकती है फिर एहसान के साथ छोड़ दो ज़रा तीसरी बार तो फिर पक्की फारक हो जाएगी ना तो रखना तो दो, दो दफा ही मुख्तु औकात में आप तलाक दे सकते हैं और तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि जो तुमने उनको हकमहर के तौर पर रकम दी थी वो वापिस लो बल्कि सूर्य आता है अगर ढेरों सोना चांदी भी दिया है वो वापस नहीं लेना क्योंकि उसी के वजह तो वो तुम्हारे लिए हलाल हुई थी इल्ला या खौफा अल्लाह हुदूद अल्लाह बजूस इस इसके के दोनों को अंदेशा हो के वो अल्लाह की हुदूद को कायम नहीं रखेंगे नहीं रख सकेंगे तो इसकी वजह से हो सकती है फ़िफ तुम अल्लाह युकीमा हदूद्ल्ला अगर तुम्हें डर हो कि तुम अल्लाह की हदों को कायम नहीं रख सकोगे मियाँ बीवी का ताल्लुक आगे मज़ीद नहीं चाह सकता फला जुना हालाहीदत बी तो औरत पर कोई हर्ज नहीं है कि वह कुछ माल दे के अपने खामन से जान छुड़ा लें ये जनाब इजाज़त मिल गई औरतों को इसमें लोग तो समझ होते हैं खामन की मर्जी बीवी रखे छोड़ दे ना औरत की भी मर्जी है, अपने खामुन के साथ रहे या ना रहे यानी आपकी बीवी अगर आज आपको कहती है जी तुमने मुझे हम तो बड़े रिस्क पे लगे मैं सीधी सी बात है हमने हमारा तो ग्यारह सौ रुपया हाकमहर लिखा है। ओके जी अहला बाईस सौ रुपया चल नजदा हो वैसे बाईस सौ नहीं उसको देने की जरूरत बस वो जो हाकमहर उसने लिए ना ग्यारह सौ पूरा वापस करने की बात नहीं है उसमें से ओके ये पाँच सौ रख ले भाई छः सौ इतना अरसा तेरे साथ नहीं हो छः सौ ये पाँच सौ तो अल्लाह तब मारा वो फिदिया दे के औरत जान छुड़ा सकती है अपने से डर के तो खामन ये समझते हैं हम जब चाहें बीवी फारक कर दें बीवी भी जब चाहे ना खामन को फारक कर सकती है इस हाले से भाई ये लो ये जो तुमने मुझे दिया था ये लो इसमें से कुछ रखो कुछ दो लो मैं नहीं रहना चाहती और खामन जो है वो हमें भी यहाँ पे अपने दुखड़े सुना रहे होते हैं वो जनाब हमारी बीवियाँ जो है वो जनाब खुदा के लिए अप्लाई कर दी इनको खामदों के कूकी नहीं पता अंदाजा करो भाई जिस ये तो इसी तरीके से है कि एक बीवी कहे जी खामन को मेरे हकूक नहीं पता इसने मुझे तलाक दे दिया है जिस तरह तलाक देना मर्द का हक हाँ है वो जब चाहे दे सकता है खुला लेना औरत का हक हाँ है वो जब चाहे ले सकती है और इसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि जी कोई वजह नहीं है सबसे बड़ी वजह यह है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती इसके पीछे क्या वजह है उसकी कोई जरूरत नहीं है यह खुद बहुत बड़ी वजह हाँ आखिरत में वह जाम तिरमिजि अदीस है जिसने बगैर वजह के अपने खामन से तलाक ली है तो आखिरत में उसका अजाब बुक देगी औरत दुनिया में इस्टेब्लिश हो जाएगा दुनिया तो फिर जुडिशरी के निजाम पर चलती है ना या आप किसी को हुबुल वतनी के नाम के ऊपर या गुस्ताखे मजहब के नाम के ऊपर खुद कानून में हाथ में नहीं ले सकते हाँ जो उसने किया होगा अल्लाह के उस आपको एविडेंस प्रोड्यूस करना पड़ेगा एविडेंस नहीं है नहीं एविडेंस अगर है तो आप मामला को आगे लेके चलेंगे तो ये अल्लाह हमारा फिर कोई नहीं है तिल का हदूद्लाह ये अल्लाह की हदें हैं फला फलाता फ़लाताद तो इन से आगे ना बढ़ो वमईदल्ला और जो कोई अल्लाह की हदों को तोड़ देगा फ़लाकह वालमून तो फिर ऐसे ही लोग हैं जो िम हैं अल्लाह की हदें तोड़ने वाले लोग होंगे तो ये बार बार आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी गुफ्तु सेंटर्ड अराउंड गॉड कॉन्शियसनेस है अल्लाह का खौफ क्योंकि अल्लाह का खौफ ही एक वायद चीज़ है जिसकी वजह से मियाँ बीवी एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हैं एक मर्द अपनी बीवी के साथ ज्यादा करने से बाज आ सकता है और एक औरत अपने खामन के साथ ज्यादा करने से बाज आ सकती है अगर उसे एक खौफ हो कि यार इधर तो मैं धोखा दे के चरम जुबानी से बच जाऊँगा या बच जाऊंगी अल्लाह के हजूर में कहीं ना पकड़ी जाऊं तभी वो रुक सकते हैं या रुक सकती है अदरवाइज तो फिर लोग धोखा देते हैं तो ये मियाँ बीवी का रिलेशनशिप खौफ खुदा के साथ कायम रहता है खौफे खुदा को आप बीच में से निकाल देंगे आप जो मर्जी कर लें इसीलिए मैं इस तरह की तमाम बातों पे ये जुमला बोलता हूं कि अल्लाह ताला के बनाए हुए कवानी भी कामिल उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक तकवे का अंसर उसमें शामिल नहीं होगा आगे आयात आएंगी वो इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम कवर करेंगे कि अल्लाह तौर माता है कि अपनी औरत को इस नीयत से रुजू करके अपने पास ना रखो कि मैं फिर महीने बाद इसको दूसरे वाली तलाक़ दे के जलील करके निकालूंगा अल्लाह से डर जाओ अब जुडिशरी में तो ये चीज़ प्रूफ नहीं हो सकती ना कि मैंने रुजू जो है वो इसलिए किया कि मैं ऐसे नवे दिन बाद फिर जलील करूँगा राधा मैंने पहले ही किया कि मैंने रखना नहीं तो है तो अल्लाह फरमाता है राधा कर लिए फिर छोड़ दो जलील कर लेकर अल्लाह से डर जाओ तो अल्लाह के कवानीन भी कामिल होते हैं जब खौफ खुदा उसमें ऐड हो वरना अल्लाह ताला के बनाए हुए कवानीन में भी आप मिसचीव कर सकते हैं मेरी एक बंदे ने एक औरत नहीं रखनी वो उसे तलाक देता है जब नबे दिन पूरे होने लगते हैं ना पाँच दिन पहले वो कहता है मैं रुजू करता हूं और इरादा यह कि फिर इसे नवे दिन रखूंगा मारूंगा पीटूंगा फिर इसे छोड़ूंगा फिर यह नवे दिन की मुदत पूरी फिर मैं रुजू कर लूंगा इसके ऊपर दुनिया की कोई अदालत आपके ऊपर फतवा नहीं लगा सकती लेकिन अल्लाह की अदालत में क्या आप छोड़ दिए जाएंगे अल्लाह तला तो इन आलिम बिदात सुदूर है वो सीने के छुपे हुए राजों को भी जानने वाला है उसने तो फिर फैसला करना है जो आपके अंदर भी है ना कि आपने किस नीयत से कोई काम किया था इसलिए जो दीन है या रिलीजन है वो आपके अल्लाह के साथ ताल्लुक को हमेशा डील कर रहा होता है सिर्फ ज़ाहिरी कवानीन को नहीं लेके चल रहा होता उसके बगैर जहरी कवानीन भी फिर बेफायदा हो जाएंगे कहीं ना कहीं आप कुत्ते को लालकार ही लेंगे जिस तरह फतवा लगाते हैं ये फतवे उलमा क्यों देते हैं अगर खौफ खुदा हो तो कभी इस किस्म के फतवे ना दें खौफ खुदा से आ रही होते हैं तो आपकी मर्जी का फतवा आपको कहीं से खेच तान के लिख देते हैं जो यहूद का भी तरीक़ाक था ठीक हो गया जी इसी पे इसे कंक्लूड करते हैं बाकिया है। इनशा आयात अगली दफा अल्लाह से दुआ है कि जो हक तो बात मैंने कही अल्लाह हमारे दिलों में रासिक फरमाए अगर जिस बात में मेरे मुँह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताली हमें मुआफ कर दे हमारे दिलों से भी उसे महव कर दे दूर कर दे हमें किताब किताबोसनत की तलीमत पर अमल करके दूसरे भैयाों तक पहुँचाने की तोफ़ी कता फ़रमाएलबी